फ्रेंड्स बताया जाता है कि इसका घड़ी का जो मशीन था ना नीचे, वो सोने का था, लेकिन उसको चोरी कर लिया गया। नवाब सिराजुद्दौला ने इसको यूज करना चाहा। इतना तेज आवाज के फ्रेंड्स की बताया जाता है कि मुर्शिदाबाद के नियर बाय में जितने भी लेडीज प्रेग्नेंट थी, तमाम के बच्चे गर्भपात हो गए। अगर आप नवाबों के बारे में सुने होंगे तो एक तरफ तो हुकूमत करते थे दखन में टीपू सुल्तान और बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला। तो अभी मैं आया हूं घूमने नवाब सिराजुद्दौला के म्यूजियम में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल व्लॉग्स। दोस्तों, एक और नए व्लॉग में आपको खुशामदीद। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आने के बाद मैं एक यहाँ गाइड ले रहा हूँ, लेकिन गाइड लेने से क्या होता है कि वो यहाँ का इतिहास मुझे अच्छे से शेयर करते हैं। नाम है क्लॉक टावर घड़ी घर। ये नवी टाइम में इसको बनाया गया था, इसलिए जो नवी टाइम में हाथ घड़ी बोल के कुछ नहीं था, जेब का घड़ी। घड़ी बनाया गया था 1846 में। इसको जो बन रहा था उसी टाइम 1846 मतलब 1846 साल था, उसमें हाथ घड़ी बोल के कुछ नहीं था, जेब का घड़ी। अच्छा। नवाब लोग इस्तेमाल करते थे, पुर्जा लोग के लिए घड़ी घर को बनाया गया था। अच्छा अच्छा। ये घड़ी का नियम है, साल में दो बार चाबी देने से ये घड़ी चलते थे। फ्रेंड्स बताया जाता है कि इसका घड़ी का जो मशीन था ना नीचे, वो सोने का था, लेकिन उसको चोरी कर लिया गया। ये जो आप गुंबद देख रहे हैं छोटा सा, ये नवाब सिराजुद्दौला ने खुद बनाए थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसमें मक्का और मदीना की मिट्टी रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये गुंबद का नाम यहाँ पे है मदीना मस्जिद। ये गुंबद 1756 में बनाया गया था नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा। हमने ये तोप देख रहे हैं, ये नवाब सिराजुद्दौला को उस ज़माने में यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे गंगा नदी गुजरी हुई है, उस नदी में ये मिला था। जब ये मिला था तो इसको ला करके नवाब सिराजुद्दौला ने इसको यूज करना चाहा था। इस तोप के अंदर फ्रेंड्स नवाब सिराजुद्दौला ने गोला बारूद भर के जब इसको यूज किया तो ये इतना तेज आवाज के फ्रेंड्स की बताया जाता है कि मुर्शिदाबाद के नियर बाय में जितने भी लेडीज प्रेगनेंट थी, तमाम के बच्चे गर्भपात हो गए। तब इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ने इसको बंद करवा कर यहीं पे छोड़ दिए, जो आज तक है। ये जो आप देख रहे फ्रेंड्स, ये थे नवाबों का कोर्ट, मतलब एक बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार। ये सीरी 36 है और ये 36 सीरी चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। और अंदर म्यूजियम है, यहाँ पे जितने नवाब थे ना, सारे नवाबों का यहाँ पे सामान रखा हुआ है। कुल 12 बीघा में ये बनाया गया कुल। ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये सीरी के बगल में ये तोप देख रहे हैं ना, ये तोप उस जमाने जब बादशाह आते थे ना यहाँ, तो उसको सलामी दिया करते थे। गोया के अभी के ज़माने में जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है ना, तो उसी तरीके से उस ज़माने में ये गार्ड ऑफ ऑनर यानी सलामी दिया करते थे बादशाह को। फ्रेंड्स बताया जाता है कि इस महल में ना 1000 दरवाजा है, 900 असली दरवाजा है और 100 ना नकली दरवाजा है। पूरे में 900 और 100 मिलाकर के कुल 1000 होता, तो हजारी द्वारी भी इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं, ये है महल के अंदर का हिस्सा और ये देख रहे हैं ये पालकी, इस पर नवाब बैठा करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है चांदी का अब बैठने का, ऊपर वेलवेट की चादर लगी हुई लाल कलर का। और ये जो आप देख रहे हैं हजार द्वारी, वह छोटा हजार द्वारी जो हाथी के दांत को तराश करके बनाया गया है, तो ये भी मिनी हजार द्वारी कह सकते हैं। और ये है दरबार हॉल। फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे दरबार लगा करता था और यहाँ पे नवाब बैठते थे और जो भी बात करना होता यहीं से करते थे। और ऊपर का ये आर्किटेक्ट ज़बरदस्त खूबसूरत दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये उस ज़माने का बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। ये तो मैं पहली बार देखा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चारों तरफ का व्यू आप देख रहे हैं। ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये है चांदी का सिंहासन, चांदी का कुर्सी भी कह सकते हैं। यहाँ पे नवाब बैठते थे और दरबार लगता था। तो बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बैठ मत जाना, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, बाय, अल्लाह हाफिज़।